आगे गए तो मौत निश्चित है। सर, हल तो ढूंढना होगा। मेजर साहब, अब क्या होगा? तो सर, आप कुछ हाँ? सर कहाँ? सर आए तो थे हथियारों की ट्रेनिंग देने। सुना था सर जुनूनी पागलों की तरह काम करते हैं, और आज देख भी लिया। सर का एक भी कदम बिना वजह से नहीं होता, जितना मैं जानती हूँ। देखो देखो, कोई पागल आ रहा है। सिरफिरा लगता है, हमें तलवार और भाले से मारेगा। बच्चों को लेके नीचे चलो, करते हैं स्वागत इस पागल का। गेट भी खोल दो, अंदर आने दो इसे। चलो भाइयों, तैयार हो जाओ, ये हमें तलवार से काटेगा और रॉकेट लॉन्चर को भी खत्म करेगा। देखो देखो, तलवार निकल रहा है। बच्चों को गोली मार दूंगा। Yeah!
लिए सबसे बड़ा खतरा। 300 साल पहले भी हम इसी की वजह से हारे थे। हमने सोचा था कि धरती के दूसरे लोगों की तरह 150 साल पहले ये भी मर गया होगा, पर ये आज भी जिंदा है। तो हम सब इस खतरे से कैसे निपटेंगे? पहले सिर्फ हमने हमला किया था, पर अब हम 5 ग्रह मिलकर हमला करेंगे। सुपर पावर वेपन्स के साथ अब धरती पर होगी हमारी नस्ल। ओके सैमी मैम। वेलकम लायन हार्ट सर। कमाल कर दिया लायन हार्ट सर आपने, हर बार की तरह कर दिखाया आपने। छोड़ो ना यार चमचागिरी। चमचागिरी नहीं है सर, हमें गर्व है आप पर, और इस बात की चर्चा तो सारा दिन चलती रहती है। लायन हार्ट सर ने ये किया, लायन हार्ट सर ने वो किया। ओके 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 ओके, सैमी मैम कहाँ है? हमें सैमी मैम से मिलना है। मैं यहाँ हूँ लायन हार्ट सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए सर। आओ सैमी की सुर में सुर मिलाएं। सर जो आपको मूर्ख कहते थे उनका तो आपने भड़ता ही बना दिया। पर एक कमी रह गई। क्या? आपको नहीं खिला पाए। ये सेमी सेमी ऑटो दिखाएगी या फुली ऑटो? सर
हमारे सिस्टम ने एक अलग तरह की तरंगे पकड़ी हैं लायन सर। हमारे कंप्यूटर सेंसर्स ने पता लगाया है कि ये एक अलग तरह की भाषा है, लेकिन ये इस दुनिया के किसी भी देश की भाषा नहीं है। उड़न तश्तरियां भी देखी गई हैं। हमें डर है कहीं किसी दूसरे ग्रह के लोग धरती पर अटैक तो नहीं करने वाले। ये शैतान फिर से जाग गए। लायन सर, फिर से आपका क्या मतलब? आज से 300 साल पहले इन शैतानों ने धरती पे कब्जा करना चाहा था जोश। लायन सर, ये सब आपको कैसे पता? ये है राजा वीरदेव, राजस्थान के एक बहुत बड़े राज्य दुर्गापुर का राजा। इन दोनों लड़कियों को हम अपना उपसेनापति मान लें और पूरी सेना को चूड़ियां पहना दें। क्या सेनापति, तुम भी ये? हाँ? सौगंध और सौगात, ये दोनों मेरी बहनें हैं राजकुमार। शेर की बहनें शेरनियां ही होती हैं, और ये तो इस बब्बर शेर की बहनें हैं। सही कहा पुत्र, हम इन दोनों लड़कियों को अपना उपसेनापति घोषित करते हैं। आप लोग जाइए और जालिम खान से राष्ट्र की बहनों को छुड़ा कर लाइए। जी राजा साहब। आपकी छाती में दम है तो इन लड़कियों को मुझसे बचाकर बताओ, वरना इनका निकाह मुझसे करवा के मेरे रिश्तेदार बन जाओ। आप सब लोग योद्धा हो, योद्धा योद्धा भी ऐसे जिनका गुरु शेर दिल है। सामने गीदड़ है, टूट पड़ो उन पर शेरों की तरह। क्या बात हो, शेर दिल तो है नहीं, खत्म कर दो इन सबको। Thank you.
हाथियों को। चलता ना, उनका आना बेहद जरूरी है। दुश्मन फौज ने पागल हाथी छोड़ दिए हैं। जालिमो, हम देखना चाहते थे कि हमारे भरोसे रहते रहते कहीं आप लोगों को जंग तो नहीं लग गया। फिर भी कोई वक्त होता है आने का भाई साहब। तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं होता सुगंध। उनका तो जब मन किया आए और तबाही मचाकर चले गए। मैंने सही कहा ना गुरुदेव? राजकुमार रणप्रताप आप? हाँ मैं ही तो हूँ। मेरे होते आपको रणभूमि में आने की क्या जरूरत थी? राजा और राजकुमार युद्ध के लिए नहीं होते। हाँ लेकिन राजा और राजकुमार शेरदिल के शिष्य भी तो नहीं होते गुरुदेव। भाग, भाग! मैंने पूरे 100 को मारा है गुरुदेव। Thank you.
ज्यादा ही निकाह करने का शौक है, करवाए मौत से निकाह तेरा। माफ कर दो शेरदिल, माफ कर दो शेरदिल। उनको अपनी बहने मानेगा? मेरी बहने शेरदिल, मेरी बहने ही है, मेरी बहने ही है शेरदिल, मेरी बहने ही है। जा, माफ किया तुझे, चल। माईसा आओ। राजा वीरदेव की जय हो, राजा वीरदेव की जय हो, राजा वीरदेव की जय हो। जय जयकार बोलो शेरदिल की, सेनापति शेरदिल की जय हो, 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 सेनापति शेरदिल की जय हो। हर बार की तरह शेरदिल ने हमारे राष्ट्र की बहनों की इज्जत बचाकर राष्ट्र की आन बान और शान को चार चांद लगा दिए हैं। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हमारे साथ साथ हमारे दोनों भाईसा और राजकुमार ने कमाल किरण कौशल का परिचय दिया है। नहीं, मौके पर अगर भाईसा ना होते युद्ध जीतना तो क्या हम अपनी जान भी ना बचा पाते। हमें आप पर गर्व है शेरदिल, हमारी तरफ से हीरे और जवाहरात के रूप में एक छोटी सी भेंट। हर बार की तरह इन्हें भी गरीबों में बंटवा दीजिए। तो फिर तुमको क्या चाहिए शेरदिल? बस इजाजत। यह है शेरदिल जो इस राज्य का सेनापति ही नहीं राजा व राजकुमार का गुरु भी है। शेरदिल का मानना है अगर आप नौजवान हो योद्धा हो तो माता बहनों की इज्जत बचाना आपका कर्तव्य है, लूटना तो कायरों व राक्षसों का काम होता है। राजन, सेनापति का घमंड तो देखो, आपको झुककर प्रणाम भी नहीं किया। जो अपना सर ही झुका दे वो काहे का बब्बर शेर, और ये तो वो शेरदिल हैं जिनका सर सिर्फ एक जगह पर ही झुकता है, और वो है प्रभु। क्यों, मैंने ठीक कहा ना पिताश्री? हाँ। कुमराणी सा, आपने तो कमाल कर दिया। पधारिए,
लाख लाख शुक्र है प्रभु का कि आप युद्ध से जीतकर सही सलामत लौट आए। जिसके सिर ऊपर दो स्वामी सो दुख कैसा पावे। हुकुम सच्ची सच्ची बताना कि आपको मेरी कभी याद नहीं आई। याद तो आती थी पर मेरा पहला प्यार बीच में आ जाता था। हुकुम क्या मतलब है आपका। मतलब मेरी जिंदगी का मकसद है धरती माँ और बहनों की इज्जत की रक्षा के लिए जीना मरना। ये मेरा प्यार ही नहीं बल्कि मेरा जुनून भी है। धत आपने तो हमारी जान ही ले ली थी। हुकुम हमें आपसे ढेर सारी बातें करनी है। कोई बुलावा आए तो राजा जी से कह देना कि हम अपने बच्चों में व्यस्त हैं। जो हुकुम मेरे आका। अच्छा मजाक करते हैं। बच्चों हम सिखाते हैं कि युद्ध में कैसे लड़ा जाता है। तो हम आपके मारेंगे आप पीछे को छलांग मारना और फिर आके आक्रमण करना। तैयार हो। जी देखा। हाँ जी चलो। और याद रखो जालिमों से लड़ते समय अपनी आंखें तो खुली रखनी है साथ में नाक को तैयार रखो उसके खून की खुशबू लेने के लिए। सेनापति जी राम राम सा। राम 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 राम। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ मुखिया जी। अब मुखिया को काहे का चैन शेरदिल जी। अब बारिश हो गई है और जमीन भी तैयार है। पुरोहित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर जुताई के काम का श्री गणेश करना चाहते हैं। अरे दिन कोई बुरा नहीं होता मुखिया जी। किसी भी दिन करो सब दिन अच्छे हैं। वैसे देखा जाए कई कबीलों में दिन के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है मंगल में काम मंगल होता है और दूसरे बोलते हैं मंगल लगावे सांगल। इसी तरह एक कबीले वाले कहते हैं बुध काम शुद्ध तो दूसरे कहते हैं बुध लगावे युद्ध। तो इस तरह तो सारे दिनों का क्रियाकर्म हो गया। सो दिन बुरा नहीं होता। संत भी कहते हैं तिथ बार ना जोगी जाने रुत माना कोई जा करता सृष्टि को साजय आप जाने सो। तो भगवान ने कृपा की है जी। सो दिन कोई बुरा नहीं है। किसी भी दिन आप जुताई का मुहूर्त कीजिए श्री गणेश कीजिए हम भी चलेंगे आपके साथ। राम राम। वर्षा है आई बहार है चाय चल के तुम चलिए वर्षा है आई बहार है चाय चल के तुम चलिए सोन में मिश्री दी डलिए खेतों से सोना है निकालिए देशली सोना है निकालिए खेतों में
दिशा है आई। खेतों में देखो यौवन है छाया, दिल में उमंग छाई। खेतों में देखो यौवन है छाया, दिल में उमंग छाई। हल चला ओन दाता, ना बन तू कर जाई। जोर लगा ओ अन दाता, ना बन तू कर जाई। वर्षा है आई, वर्षा है आई, बहार है छाई। चल के तुम चलिए सोन में मिश्री दे डलिए। खेतों से सोना है निकालिए, देश ली सोना है निकालिए। खेतों में हीरे हैं उगाइए। नाच रे गा के कर्म कमा के देश को बढ़ाए आगे। नाच रे गा के कर्म कमा के देश को बढ़ाए आगे। ले प्रभु का नाम बीज तू डाल, फल वो देगा बढ़ा के। कर्म तराने तेरे गाएंगे सब, योद्धा बन कर्म कमारे। वर्षा है आई, वर्षा है आई, बहार है छाई। चल के तुम चलिए, देश ली सोना है निकालिए। खेतों में हीरे हैं उगाइए, देश ली सोना है निकालिए। खेतों में हीरे हैं उगाइए। देश को अन्न तू खिलाए, खुद के भूख क्यों छाई। सारे देश को अन्न तू खिलाए, खुद के भूख क्यों छाई। आत्महत्या मत कर नारे, कर तू कर्म रे भाई। आत्महत्या माँ बाप है धर्मों में लिखा रे भाई। वर्षा है आई, वर्षा है आई, बहार है छाई। चल के तुम चलिए सोन में मिश्री दी डलिए। खेतों से सोना है निकालिए, देश ली सोना है निकालिए। खेतों में हीरे है उगाइए। अरे क्या कर रही थी भाई सा? आज रक्षाबंधन है दाता हुकुम। तो अपने भाई के बांधो ना राखी। वो तो जब बड़ा होगा तभी मेरी रक्षा करेगा ना। आप तो अभी पूरे देश की रक्षा करते हो। किसने बोला भाई सा? ये तो मेरी सारी सहेलियां कहती हैं। अले मेरा बेटा। भाई सा, आप आरती उतारना तो भूल ही गए। ओ अब आप लोग जाओ, सौगंध और सौगात आते ही होंगे जी। हम तैयार होकर आते हैं। राम राम भाई सा। राम राम भाई सा। राम राम, राम राम, राम राम। राम राम हुआ सा। राम राम, राम राम, राम राम, राम। बच्चों आप खेलो। ये तीसरी किसकी? महारानी ने भिजवाई है सारे राष्ट्र की बहनों की तरफ से। जिन बहनों के भाई नहीं हैं
वे गौरव महसूस करती हैं और शेरदिल को अपना इकलौता भाई मानती हैं। सही भी है, शेरदिल भाई साहब बहनों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं। भाई बहने क्या गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे भाभी साहब आप तो मोटे हो गए। अरे मक्खनबाजी छोड़ो, अब ये बताओ तोहफा क्या चाहिए? भाई साहब आप ये कहना चाहते हैं कि हम राखी तोहफे के लिए बांधते हैं? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। हुकुम और नहीं तो क्या, जो इनाम आपको मिलते हैं वो तो आप गरीबों में बंटवा देते हो, कुछ तो रख लिया करो तोहफों के लिए। लो जी फिर हो गई शुरू, इसे कौन समझाए कि बस भी करो, हमें सब पता है जिनके पास शेरदिल भाई साहब हो उनको तोहफों की क्या जरूरत है, ना भाई साहब? पर मैं तो तोहफा ले आया। सच्ची भाई साहब को? हाँ दो ना, जल्दी दो। दे तो नहीं सकता पर समय आने पे मिलवा दूंगा। मिलवा दोगे मतलब? मैंने आपकी शादी के लिए दो काले कलूटे लड़के देख रखे, अगर कहो तो आज ही मिलवा देता हूँ। भाई साहब। भाई साहब आपका नाम तो शेरदिल है पर आप खाते घास फूस हो। अरे मांस तो राक्षस खाते हैं, तेरे हिसाब से हाथी तो बेचारा कमजोर रह जाता क्योंकि वो तो मांस नहीं खाता। ज्यादा ही मांस खाने का शौक है तो ढूंढ ले कोई हडिंब भाई को और बन जा उसकी हडिंबो बहन। अरे नहीं, मांस तो मेरी तलवार को पसंद है, बड़ी प्यासी रहती है दुश्मनों के खून के लिए। पर यहाँ एक मांसाहारी रहता है। कौन भाई सा? तुम्हारी भाभी सा। सारा दिन मेरा खून पीती रहती है। हुकुम आपका निशाना तो सदा मेरे पे ही रहता है जबकि आप खुद दुश्मनों का खून पीते हो। भाई सा। चलो खाना खाओ। राम राम भाई साहब। राम राम। ले सौगंध। महारानी को कहना मैं अपनी तलवार सारे राष्ट्र की बहनों को तोहफे के रूप में दे रहा हूँ जी भाई साहब, और जब तक मैं इस धरती पे जिंदा हूँ मेरी तलवार उनकी रक्षा करती रहेगी। राम राम भाई साहब। राम राम। बच्चों अंगूर देखो। देखा आपने? देखा जी। चलाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रुको। राम राम सेनापति। हाँ राम राम। राम राम। महाराज ने पैगाम भेजा है। आप जाइए। राम राम। राम राम। राम राम शेरदिल, राष्ट्र को अब आपकी जरूरत है, आप जितना जल्दी हो सके राज दरबार में पहुंचिए। आपका शुभ चिंतक राजा वीरदेव। आप जा रहे हो? जा रहे हैं बेटा। कब आओगे? ये तो नहीं कह सकते कब आएंगे। आप मेरे लिए खिलौना लाना। ये ले, हम तेरे लिए लेके आए थे, जब बड़ा हो जाएगा तो तेरे लिए बड़ा खिलौना लेके आएंगे। तलवार? तलवार नहीं, जीवन साथी। ठीक है दाता हुकुम, मैं साथी के साथ खेलूंगा। खेलो बेटा। गुमरानी सा हमारी तलवार लेके आना जरा। जी हुकुम। भाई साहब आपको भी कोई खिलौना लाके दूं? नहीं मुझे तो आप चाहिए दादा। ओए मेरा बच्चा हम जल्दी आएंगे। भाई साहब के साथ खेलो आप। आएंगे जल्दी।
काश हम तलवार होते तो आपके साथ हरदम रह पाते और आपकी बीवी की सोत बनकर हमेशा उससे चिढ़ाते। अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आएंगे। राम राम। राम राम। पश्चिम के राजा ने संदेश भेजा है, या तो अधीनता स्वीकार कर लो या लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें वक्त चाहिए और 15 दिन के बाद हम बता देंगे, और राजा जी को कहना हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। ये क्या दुसाहस है शेरदिल? ठहरो। शेरदिल ने अगर कुछ सोचा है तो बेहतर ही सोचा होगा। क्यों पिताश्री, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ। अकेले राजा में हिम्मत नहीं, जरूर कोई उसके पीछे ताकत है, और उसी का पता करने के लिए हमने समय मांगा है। अगर पता करने पर वो हमसे ज्यादा ताकतवर निकला तो? अधीनता करना तो शेरदिल जानता नहीं, और ना ही आपकी प्रजा अधीनता जानती है। अधीनता से हमें मरना मंजूर है। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं। हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनते हैं। वाह। पश्चिम के राजा ने युद्ध के लिए न्योता भेजा है, ऐसी तैयारी करो कि वो राजा को सपने में भी युद्ध के नाम से कंपकपी छिड़ जाए। आपने रात को तारे देखे हैं? ऐसा युद्ध लड़ो कि दुश्मन को दिन को तारे नजर आ जाएं। और याद रखो, जो आंख धरती माँ की तरफ और राष्ट्र की बहनों की तरफ गलत नियत से उठेगी, वो आंख आगे से सिवाय अंधकार के कुछ नहीं देख पाएगी। बहादुरो, ऐसी कड़ियां जोड़ो कि दुश्मन इसमें फंस जाए तो जमदूत ही निकल पाए। हमें गुरुदेव कहते हो, तोहफे में क्या दे सकते हो हमें? आपकी जान हमारी जान होती है गुरुदेव। हमें आपकी जान नहीं चाहिए, बल्कि आपसे तोहफे में एक एक से दुश्मनों की सैकड़ों जाने चाहिए। गुरुदेव।
सेनापति जी, मुखबिर आपसे मिलना चाहता है। प्रणाम सेनापति जी। बोलो। उस देश की सारी सेना पागल हो चुकी है, सब लोग डरे से व सहमे हुए हैं, कोई भी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं, वो लोग अजनबियों से डरते हैं। गुरुदेव, क्या ऐसा सच में होता है? हमें जाना होगा। ठहरो। चलो चल के पता करते हैं ये हो क्या रहा है चारों तरफ। क्या हो गया सबको? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं, क्या मैं भूत जैसा लग रहा हूँ? तो ये लोग डर क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम परदेशी हो बेटा, यहाँ के लोग इसीलिए परदेशियों से डर रहे हैं, और हम भी परदेशी हैं, आपकी तरह हम भी परदेशी हैं, पर हम आपसे थोड़ा पहले आए हैं, इसीलिए थोड़ा ज्यादा जानता हूँ। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस देश का राजा एकदम निर्दयी बन गया है, और कई लोग कहते हैं कि किसी जादूगर ने उस पर जादू कर दिया है और उसकी पूरी सेना को पागल बना दिया है। बाबा, आप ये कहना चाहते हो कि उन्होंने हम पर आक्रमण करने का जो पैगाम भेजा वो पागलपन में ही भेज दिया? हाँ, हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके भेजे दूत का आत्मविश्वास और उसके हाव भाव से लगता नहीं था कि वो पागल है। उस पर एक कहानी और भी है, पर कोई विश्वास तो नहीं करता, पर शायद तुम कर पाओ। सुनाइए। कई लोग कहते हैं कुछ लोग आसमान से आए हैं, और उनकी अलग धरती वो अलग दुनिया से है, और उनके हथियारों के सामने हमारे हथियार सूली या सुई के बराबर भी नहीं है, और वो लोग जब चाहे रूप धारण कर सकते हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। उनकी आंखें ही उनकी चुगली कर देती है, और वो आंखों की वजह से ही पकड़ में आ सकते हैं। रो रो रे, रो रो रे, रो रो रे, रो रो रे, रो रो रे,
लाखों सूरज और लाखों चंद्रमा हो सकते हैं, तो दूसरी धरती और दूसरी दुनिया क्यों नहीं हो सकती? जिन्होंने उन लोगों के गोल गोल उड़न कटोलों को देखा तो वो सब लोग पागल हो गए। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ये खतरनाक हैं लोग। कौन? उस राज्य की राजा के समेत पूरी प्रजा पागल हो चुकी है राजा साहब। हाँ? पागल हो चुकी है? पागल वो लोग नहीं शेरदिल, मुझे लगता है पागल हम लोग हो चुके हैं। ऐसा भी कभी होता है शेरदिल? राजन, मेरे भाई साहब कभी झूठ नहीं बोलते। राय राय, तुम तो सच ही कह रहे हो शेरदिल, पर आज से पहले कभी सुना ही नहीं ना। ऐसा ही हुआ है राजा साहब, बाहरी दुनिया से आए लोगों ने पूरी धरती पे कब्जा कर लिया है सिवाय हमारे राज्य के। कैसे यकीन कर लूं शेरदिल? जल्द ही यकीन हो जाएगा जब वो लोग आक्रमण करेंगे। शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। Thank you.
कैसे हो शेरदिल? पूरे चार दिन के बाद आपको होश आया है। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं बाबा? मैं तुम्हारा पूर्वज एक ऋषि हूँ। तुम बेहोश होके गिर रहे थे, मैं तुझे उठा लाया। और मेरे राज्य का क्या हुआ बाबा? जैसे दूसरे देशों का हाल हुआ, वैसा ही तेरे देश का हाल हुआ है शेरदिल। ठंडा करके खा शेरदिल, ठंडा करके। तूने पूरी धरती माँ की रक्षा करनी है। शेरदिल, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ इस बहते हुए पानी को वापस कैसे ले जाऊं। बेटा, उनके हथियार इस दुनिया के नहीं है, या यूं कह लो इस दुनिया को वैसे हथियार विकसित करने के लिए सैकड़ों साल और लगेंगे। तो मैं सैकड़ों साल आगे कैसे जाऊंगा बाबा? नहीं जा सकते, पर सैकड़ों साल पीछे जा सकते हो। महाभारत काल के समय में जब सब योद्धा मारे गए थे, पर उनके हथियार शेष बचे थे, उन्होंने अपने ये हथियार मायावी गुफा में छुपा दिए, ताकि आने वाले समय में अगर इसकी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। पर शेरदिल, इस मायावी जाल को या तो तुम या तुम्हारा खून ही तोड़ सकता है। मैं समझा नहीं बाबा। हर बार इस धरती की रक्षा के लिए एक योद्धा धरती का रक्षक बनके हमेशा धरती की रक्षा करता है। तुम्हारे पूर्वज सूर्य वंश ने इस धरती के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब तुम्हारी बारी है और तुम इसे बाखूबी निभाना। बाबा, अगर कोई मुश्किल आई तो? अगर आप इस गुफा के बाहर या अंदर संकट से घिरा पाओ, तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा बोलकर अपने उस परमेश्वर को, सदगुरु को याद करना। वो पिता परमेश्वर, आपका सदगुरु आपकी रक्षा जरूर करेगा। अपने पूर्वज की गायब होते ही शेरदिल चल पड़ा मायावी गुफा की तरफ, बहते पानी को वापस लाने।
बचाओ, मुझे बचाओ। सामने दरवाजे की तरफ मत जाना, वो तिलिस्मी है। तुम्हारे हाथ में जो चाबी है वो मेरी आजादी की चाबी है। ये चाबी मुझे दे दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बाहर या अंदर संकट से घिरा पाओ तो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा बोलकर अपने उस परमेश्वर को सदगुरु को याद करना। वो पिता परमेश्वर आपका सदगुरु आपकी रक्षा जरूर करेगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। Thank you.
शेरदिल, आप सच में शेरदिल हो? सफर ठीक रहा? जी। वो सब इस धरोहर के रक्षक थे। अब तो सबको पता है आप इस धरोहर के वारिस हो। हम इसलिए ये शक्तियाँ आपको देते हैं। अब अकेले तुम्हारे राष्ट्र को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। ये सूर्यवंश का झंडा है शेरदिल। जब भी आप पर ब्रह्मांड का कोई भी हथियार हमला करेगा तो आपका शरीर पारदर्शी हो जाया करेगा। हथियार आर पार होंगे पर आपके शरीर पर कुछ नहीं होगा। इस तरकश में हर वो तीर है शेरदिल जो आपको चाहिए। मणि को छूने से अंधकार प्रकाशमय हो जाया करेगा। जिस भी हथियार की आपको जरूरत हो ओम कहना आपके शरीर पर धारण हो जाएगा वरना लुप्त रहेगा। आप पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। हजारों साल नवयौवन रहोगे। और ये 5 मणि ले जाओ शेरदिल, अपने सेनापतियों को दे देना। ये उनकी हर उस शक्ति से रक्षा करेंगी जो इस धरती की नहीं है। नहीं पहचानता, खत्म कर दो इसे।
कदम दो, मैं तुझे और तेरी पूरी नस्ल को करूंगा। बहुत दुख दे चुका है तू मेरे राष्ट्र को। पूरी तरह नहीं, अभी हमारी धरती माँ और हमारे राजा साहब दोनों असुरक्षित हैं। गुरुदेव, कहाँ है मेरा पिताश्री? बताइए गुरुदेव। आओ। जैसे ही शेरदिल ने राजा बने एलियंस को मारा तो बाकी के सब एलियंस धुआं बन के उड़ गए और पागल हुए सब नागरिक फिर से स्वस्थ हो गए। रणप्रताप, उन्होंने आपके पिताश्री के साथ साथ पूरी दुनिया के राजाओं को इस पहाड़ के पीछे छुपा रखा है। राय? हाँ। भाई साहब, फिर तो हमें सेना को तैयार करना चाहिए। कोई फायदा नहीं, वहाँ सेना चींटी दल से ज्यादा मायने नहीं रखती। फिर भाई साहब? वहाँ हम पांचों को जाना होगा। भाई साहब, हम तैयार हैं। लेकिन गुरुदेव, वहाँ पहुँचने में समय कितना लगेगा? अगर दिन और रात चलें, तो वहाँ पहुँचने में 4 दिन लगेंगे। तो चलें। जी गुरुदेव। जी भाई साहब। राम राम साहब। राम राम सर। राम राम सर। राम राम सर। जब शेरदिल अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में बहुत सी नगरियों में पागल हुए लोग मिले। हम सबको चौकन्ना रहना हो, ये बाहरी दुनिया के राक्षस कभी भी हम सब पे हमला कर सकते हैं। जी राजकुमार। जी गुरुदेव। ये लो मनी, सबको एक एक दे दो, ये हम सब की
बाहरी दुनिया के राक्षसों से रक्षा करेगी। जी गुरुदेव। अरे इनको ही तो सब कुछ होता है, गौ को ये लोग माँ कहते हैं। माँ, हम इन्हें डंडे से मारेंगे ही नहीं बल्कि इनको काटेंगे भी। बोल क्या करेगा? आप इनका दूध पीते हो? हाँ। तो दूध तो माँ का पिया जाता है, इस लिहाज से ये आप सब लोगों की भी माँ हुई। दूध के साथ साथ हमें इनका मांस भी बहुत भाता है, हम तो इन्हें काटेंगे। भाग! रुकना पड़ेगा। आप क्या कहते हो भाई साहब? इस दरिया से बड़ा आग का दरिया तो मैं अपने अंदर लिए बैठा हूँ सौगंध। अगर इस दरिया ने कोई अड़चन पैदा की तो मेरे अंदर की गर्मी इसके पानी को भाप बना के उड़ा देगी। हे समुंदर देव, हमें रास्ता दो, आपको धरती माँ का वास्ता। Thank you.
बस? अपना साथ यहीं तक था, आगे पैदल चलना होगा, एक दिन का सफर है। तुम जिंदा हो शेरदिल। किसकी मौत की?
मेरा मतलब है कि किसके पाप में वो ताकत है जो शेर दिल को हाथ भी लगा दे। मैंने सही कहा ना पिताश्री। जिसके साथ पूरे देश के लोगों की दुआएं हो और ऊपर वाले की कृपा हो, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजा साहब आप ठीक तो हो? ठीक हूँ। घबराइए नहीं, कुछ और देर गुलामी की सांसें ले लो, उसके बाद आजादी की सुबह आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रही है। और राजा साहब ये लो मनी, उन शैतानों से रक्षा करेगी। पर एक बात सब लोग याद रखना, इससे बाहर नहीं जाना। जी। चुपके बार तो कायर करती है, योद्धा तो ललकारती है। Oh.
राष्ट्र को बचाया है बल्कि पूरी धरती को बाहरी लोगों से मुक्त कराया है। इसीलिए पूरी दुनिया के राजा सेनापति शेरदिल को धरती रक्षक घोषित करते हैं। क्या आप सभी राजा धरती रक्षक शेरदिल की अधीनता स्वीकार करते हो? हाँ, हाँ, हमें स्वीकार है। तो आज के बाद पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट एक ही होगा, शेरदिल। शेरदिल, 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 शेरदिल सम्राट, शेरदिल की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट, शेरदिल की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट, शेरदिल की जय हो। शेरदिल सेनापति से धरती रक्षक बना और उसी शेरदिल को अब आप लॉयन हार्ट कहते हो। शेरदिल, 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 धरती के रक्षकों, अब धरती मां पुकार रही है। लायन हार्ट सर, क्या ये वही एलियंस है? है तो वही, लेकिन इस बार चार और ग्रह के लोगों को साथ लेके आए हैं। क्या होगा लायनर सर? युद्ध, वो भी आर पार का।